दिल कर रहा है कि मैं इसको अपने बालों को नोचूं, जिस्म पे मुक्के मारूं के इतना पैसा। मिचेल स्टार्क आईपीएल की हिस्ट्री का, आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा महंगा प्लेयर बिका है। 24.75 सोल्ड टू केकेआर, 24.75 24.75 करोड़ रुपए तकरीबन पाकिस्तान का तो 1 अरब भी हो गया। मतलब इतने पैसे में 15 PSL में करवा लूं और कुछ PSL में जो पैसे बचे उसमें मैं पाकिस्तानी प्लेयरों की इंग्लिश बेहतर करवा लूं। These are crazy numbers, उस्मान, and wow, I mean this is 506 करोड़ in total जो कि इस मेगा ऑक्शन में लग रहे हैं। सो उस्मान, पैसा इतना पैसा कैसे? हम जो है वो मुकाबला करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग का, और हमारा तो उसका करीब करीब का कोई ताल्लुक नहीं बनता भाई। पैसों के मामले में दे आर वे वे एड। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस मिलके अपनी नई ईस्ट इंडिया कंपनी बना सकते हैं। उनके पास वो इतना खुला रुपया आ गया भाईजान, मौजे मारो, याची करो। इन करें, इन दोनों से अगर पाकिस्तान वाले रब्ता करें ना, तो ये दोनों मिलके पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। यकीन करो यार, सच्ची बात कर रहा हूँ। पूरी PSL को टट्टी लीग बना दी है। लोग कहते थे बेस्ट बॉलिंग लीग इन द वर्ल्ड, पता चला है बेस्ट बॉलिंग लीग इन द वर्ल्ड कौन सी है? जहां 80 करोड़ में मिचेल स्टार्क खेलेगा, 70 करोड़ में पैट कमिंस खेलेगा भाई जान। ओ भाई, हमारे लिए तो ये 11 करोड़ ही बहुत ज्यादा है। अब हम तो इसकी बात ही नहीं कर रहे, 5 करोड़ 6 करोड़ के अंदर बाबर, नसीम और शाहीन खेलते होते हैं। दिल कर रहा है कि मैं इसको अपने बालों को नोचूं, जिस्म पे मुक्के मारूं के इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा कि आपको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1 और 2 24 करोड़ 75 लाख 20 करोड़ 50 लाख, ये आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आए दिन बातें कर रहे होते हैं इस साल हम PSL PIPL को बीट कर देगी। ओ भाई, कैसे कर देगी? हर साल तो आईपीएल ऊपर जाता जा रहा है। पिछले साल सैम करन सबसे महंगा खिलाड़ी बना, तो इस साल पैट कमिंस ने रिकॉर्ड बना दिया, 20 करोड़ 50 लाख का। पाकिस्तानी 70 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का वो लेगा खेलने का आईपीएल। और फिर कहां से उम्मीद रखते हो कि पैट कमिंस जैसा बंदा PSL में आके खेलेगा? 70 करोड़ उसको मिल रहा है। आईपीएल ने तबाही मचा के रख दी। यही नहीं, रिकॉर्ड बनाया महंगे तरीन प्लेयर का। वो महंगे तरीन प्लेयर का रिकॉर्ड 1 घंटे बाद टूट के रह गया। मिचेल स्टार्क ने मेला लूट लिया, 24 करोड़ 75 लाख। पाकिस्तानी तकरीबन 80 करोड़ के आसपास ये बंदा बनता है, 80 करोड़ के लगभग आसपास। पता नहीं कहानी जा रही है 75 करोड़ के आसपास है या कितने पे जा रहे हैं, लेकिन मोर देन 70 करोड़ ही है और 80 करोड़ से कम ही होगा। इतने पे कहानी जा रही है, कोई मजाक है? इतना पैसा खिलाड़ियों को मिल रहा है, वो किस बेस के ऊपर आएंगे? छोटी मोटी लीगों के ऊपर। आईपीएल एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका हुआ है। आईपीएल खाली इंडिया का ब्रांड नहीं रहा, आईपीएल पूरी दुनिया का एक ब्रांड बन चुका हुआ है। लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग उसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। यही वजह है कि सारे रिकॉर्ड वो लोग बना रहे हैं। अब कंपैरिजन करना खत्म कर देना चाहिए, देयर इज नो कंपैरिजन। एक एक 74 करोड़ के अंदर ना पूरी PSL की टीम जिसे कहते हैं ना अच्छी खासी बन जाए, उधर एक प्लेयर बिकड़ा है। इतना पैसा लगा दिया है। दुख होता है मुझे यार, पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं खेल रहे? पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी होना चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स में भी कोई पैसा लगा रहा हो तो दिल को खुशी होती, नाच रहे होते हम भी कि यार इतना पैसा लग रहा है, दुख हो रहा है। लेकिन आप ये देखें, वर्ल्ड कप की वैल्यू देखें। वर्ल्ड कप की वैल्यू आपको बताती है कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। पैट कमिंस विनिंग कैप्टन, 20 करोड़ 50 लाख। मिचेल स्टार्क विनिंग टीम का हिस्सा, 24 करोड़ 75 लाख। तो माय गॉड, ये इंडिया ऐसा मुल्क है, इसकी आईपीएल ऐसी लीग है कि जो सोच से भी आगे। कहते हैं सोचो कितने पैसे तुम्हें देंगे, पहले तुम जी भर के सोचो, फिर जब सोच लोगे उसके बाद हम अपनी बाजी लगाना शुरू करेंगे। इतने पैसे, इतनी बड़ी महंगी बाइज आप देखो, मतलब हैरान करके रख दिया आज आईपीएल के ऑक्शन ने। ये मिनी ऑक्शन था, मेगा ऑक्शन
नहीं था जब मेगा ऑक्शन होता, इसमें बड़े बड़े स्टार्स होते तो फिर कहां लेके जाते आज के ऑक्शन की जो सरप्राइजिंग, मतलब कि हम भी एज पाकिस्तानी इतने पैसे नहीं सोच रहे थे कि यार इसको इतने दे देंगे, उसको इतने दे देंगे। आज के ऑक्शन की सारी जो है ना पिक्स है, और सबसे पहले जो बड़ी पिक्स है उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई ये बीसीसीआई आईपीएल हमारी सोच से भी परे है, मतलब कर रहे क्या है, मतलब के एक होता है पैसों का तो मतलब समुंदर है ये तो। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैंने ऑक्शन देखी है और मैं हैरान हो गया हूँ, रियली हैरान हो गया हूँ कि पैसा पानी की तरह बहाया गया है आज। हालांकि बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये एक मिनी ऑक्शन थी, इट वाज़न्ट द मेगा ऑक्शन, उसके बावजूद भाई हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। मतलब इतने महंगे महंगे प्लेयर्स, भाई इतने में तो हम पूरी की पूरी एक प्लेयर जितने में बिका है, इतने में तो हमारे जो है वो फ्रेंचाइजेस भी सेल करा ले, फ्रेंचाइजेस बिकती है और इतने में पूरा का पूरा पीएसएल हो जाता है जितने में एक प्लेयर बिकता है। तो भाई ये जो आज हुआ है ना, और ख़ासतौर पर पहले जो पैट कमिंस जो है वो 20 करोड़ 50 लाख में बिके, और उसके बाद मैंने आपको फौरन कहा, मैंने कहा यार ये तो हम तो सोच रहे थे कि मिचेल स्टार्क जो है वो सबसे महंगा बिकेगा, तो यहाँ तो 20 करोड़ 50 लाख में हाईएस्ट एवर बिड के साथ बिक गया है पैट कमिंस। और फिर हम बात भी करते रहे कि यार उसकी कप्तानी के लिए उसको खरीदा गया है, सनराइजर्स हैदराबाद को कप्तान की ज़रूरत है, वो एक बार फिर अपना कप्तान तब्दील करने के मूड में है, तो आई थिंक सो कि उसको उसकी कप्तानी की वजह से इतनी प्राइस मिली। मुझे लगता है कि वो किसी हद तक जिसको आप कहते हैं ना कि ओवर रेट किया गया है उसको बतौर एक बॉलर के, तो उसका रिकॉर्ड कोई आईपीएल में कोई बहुत शानदार नहीं है, बस सिर्फ ये कि उसकी किस्मत है भाई, उसकी किस्मत है कि देखे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली, उसके बाद वर्ल्ड कप भी जीत लिया, इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप छीन लिया, और ऊपर से अब इंडिया से 20 करोड़ 50 लाख भी लेके जा रहा है। तो ये मैं हैरान हूँ कि जिसने आपको जितना झटका दिया भाई, आप उसको उतना उतने पैसे दे रहे हो कि मैं बहुत शुक्रिया आपने हमें हराया और लीजिए अब हमारी तरफ से तोहफों कबूल करो। उसके बाद मतलब वी वर थिंकिंग ये हाईएस्ट होगी, लेकिन उसके बाद स्टार्ट होता है जी मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क 2 करोड़ की बेस प्राइस से स्टार्ट होता है और पहुँचता है और दिल कहता है कि भाई रुक जाओ यार, कहीं तो रुक जाओ। मुझे तो लग रहा था जिस तरह से दोनों टीम्स जो है वो केकेआर और साथ में केकेआर के गुजरात टाइटंस जिस तरीके से वो मुकाबला कर रहे थे, मुझे तो लगता था कि ये और आगे चली जाएगी, लेकिन बहरहाल फिर भी भाई इतनी बड़ी रकम, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान के 1 अरब रुपया बन जाता है।